एक कहावत है, हिम्मत और हौसले मनुष्य को नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसे नवयुवक की बात बता रहा हूँ जो स्पीच आइडियोलॉजी सहायक वाणी का सरकारी नौकरी को छोड़ आज के दिन मशरूम की खेती कर अपने घर से लेकर कई घरों को रोजगार मुहैया करा रहा है। इससे लगभग 15 परिवार का जीवन यापन होता है। देखिए सर, 4 से 5 लोग तो ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पे वो रहते ही हैं, उनको काम है हमेशा, वो दिन रात का यहाँ पे उनका काम होता है। इनके अलावा बहुत सारे, जिस गांव के ये नज़दीक में है, ये टेकानी बस्ती पड़ता है, इसके बगल में यहाँ पर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं महीने में 20 दिन कम से कम काम देता हूँ। वो भागलपुर के एक छोटे से गाँव फतेहपुर के पासवान टोला का प्रीतम कुमार नागेश्वर पासवान का पुत्र है। प्रीतम बताते हैं कि हम 11वीं पास करके 2010 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय से स्पीच एंड हियरिंग की पढ़ाई की। 2012 में बिहार शिक्षा परियोजना सहरसा में असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट कम ऑडियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी कार्य और दबाव को देखकर 15 अगस्त 2016 को नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। घर में बैठे बैठे सोचा अपना ही कोई काम कर स्वरोजगार को अपनाया जाए। शुरुआत में सर ये परेशानी आई थी क्योंकि उस समय भागलपुर में लोग मशरूम तो खा रहे हैं, कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, बट कल में और आज में ये फर्क है कि जिसमें मैंने काम का शुरुआत किया था, मुझे बढ़िया से याद है कि 2017 के आसपास का वो टाइम था जहाँ की 5 से 10 किलो मशरूम बेचने में मुझे परेशानी होती थी। और आज अगर करेंट में बात किया जाए तो अकेले का मेरा बाजार है जहाँ की मैं कम से कम 200 केजी से 300 केजी तक मैं यहाँ पे इस लोकल एरिया में सप्लाई कर लेता हूँ आराम से। एक माह बाद से ही अपने मामा के लड़के का सहयोग लेकर शुरुआती दौर में छोटे से खुद के घर में मशरूम की खेती करने की शुरुआत की। हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा फसल है जो सिर्फ और सिर्फ ठंड के क्षेत्र में ही किया जा सकता है, लेकिन आज भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में 365 दिनों तक 1 बीघा खेत में मशरूम की खेती कर अपने परिवार के साथ साथ कईयों के परिवार के जीविकोपार्जन का सहारा बन चुका है। देखिए सर, सबसे पहले आपको ये बात तो समझना होगा कि ये बात आपने बिल्कुल फैक्ट किया कि सीजनल और अनसीजनल, यानी कि सीजन का मतलब हुआ कि जब ठंड का मौसम आता है, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश का नाम लिया, गंगटोक का नाम लिया, तो गंगटोक के बारे में मुझे नहीं पता, बट हिमाचल के बारे में पता है कि वो पूरा जो एरिया का ठंड का एरिया होता है, और हिमाचल प्रदेश, सोनीपत, हरियाणा, ये सब शुरुआत में मशरूम तो ज़्यादातर उधर से ही होता था, सोलन में। सीजन के अलावा, वहाँ के अलावा भी सीजन में अपने बिहार में भी बहुत सारे लोग किसान खेती करते थे, तो उनको देख करके मुझे तो ये समझ में आ ही गया कि सीजन में यहाँ भी किया जा सकता है। बट सीजन के अलावा अब जब आप बाजार खड़ा करते हैं तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो सीजन में ही मशरूम खाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें ज़रूरत है। तो तब मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, इसका एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जिसमें कि हम 365 दिन मशरूम का काम कर सके। तब जा करके हम धीरे धीरे काम को बढ़ा किए और आज हम ये कंट्रोल यूनिट चला रहे हैं। पहले देश विदेश के लोग इस मिट्टी के कतरनी चूरा और चावल का ही स्वाद ले रहे थे, लेकिन आज के समय में मशरूम का भी स्वाद चख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के मशरूम भागलपुर जिला के साथ कई अन्य शहरों, कलकत्ता, सिलीगुड़ी तक के लोग स्वाद चख रहे हैं। भागलपुर जाता है, सिलीगुड़ी जाता है, गोड्डा जाता है, बोकारो धनबाद भी चला जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से भी मंगाते हैं, बट हमारे अपनी मशरूम की क्वालिटी है जो कि हम क्वालिटी के बल पे वहाँ से लोग यहाँ मंगाते हैं और हम यहाँ से बाहर भेजते हैं। किसान के द्वारा बताया गया है, यहाँ अभी तक सरकार या सरकार के किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई है। हम लोगों को इस खेती में बिजली की आपूर्ति और उसका कमर्शियल बिल के चलते बहुत बड़ी समस्या आती है। इससे हमारे अपने परिवार के साथ साथ अन्य कई परिवारों का जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। मेन कठिनाई है सर, क्या ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये थोड़ा सा दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा लेबर तो अनट्रेंड है ही, वो तो परेशानी है ही, दूसरी परेशानी हो जाती है बिजली की।
बिजली क्या है कि दक्षिणी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे बिजली प्रॉपर नहीं मिलता है। अब बिजली नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे हैं कि ये एसी यूनिट है, एसी चलाने के लिए फिर हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, अब जनरेटर में क्या कॉस्ट भाग जाता है, तो ये परेशानी है। और दूसरी परेशानी है कि बिजली की जो दरें हैं ना वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बिजली की दरें जो है कमर्शियल लगती है।